तो इंटरनेशनल लॉ के तहत हम जो साइन कर लेते हैं ट्रीटीज़, उसके बाद फिर हम उन ऑब्लिगेशंस पे पूरा नहीं उतरते, तो उसका फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपने डोमेस्टिक लॉज को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ करना है, और फिर जब आप वो नहीं करते तो यू आर नॉट कंसिडर अ सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लॉ है, अगर आप मीडिया भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लॉ है, तो लॉ से आप किनारा तो नहीं कर सकते। आप जब पैदा हो जाते हैं तब से ही लॉ जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं आपके। कोशिश किया कि मैं उनकी आइडियोलॉजी चेंज करूँ, उनका माइंड चेंज करूँ, वो एक जो पर्टिकुलर नैरेटिव के साथ आते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस के एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी होस्ट वाइज़ा रफ़ीक एक दफ़ा फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हमने जिनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है वो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल, बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही डिटर्मिंड खातून हैं जो वेमेन एम्पावरमेंट की एक चलती फिरती मिसाल हैं। हम इंटरनेशनल लॉ के ऊपर उनसे बात करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं स्कूल ऑफ इंटीग्रेटेड सोशल साइंसेस की यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, डॉक्टर तहमीना असलम उनका नाम है, और काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करी हैं। अक्सर आपने उनको बीबीसी में भी देखा होगा। मैं सारी स्टोरी इनकी खुद ही डिस्क्लोज नहीं करूँगी, हम इनसे भी बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तहमीना, एंड थैंक यू सो मच, आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच वाइज़ा, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर, and Waiza is my student and I am so happy to see her progressing and excelling in this field of law. Nahi, I am so honored, you have been so encouraging throughout. To aapki journey ke bare mein aapse thoda sa puchhenge ki aapne law bhi padha, lawyer bhi hain, fir academics mein chali gayi, fir international law ko, fir countering violent extremism ko apni expertise mein banaya, to इतनी सारी डेविएशंस कहेंगी या डेवलपमेंट कहेंगी, क्या कहेंगी, इसको कैसे देखती हैं? मैं इसे डेवलपमेंट के तौर पर देखती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एक देखा जाता है कि आप जब लॉ कर रहे हैं तो आपने सिर्फ एक लॉयर ही बनना है। लॉयर कुछ भी बन सकते हैं, वो मतलब इतना आप लॉ में सीख चुके होते हैं, आप उसमें सारा क्रिमिनल इकोनॉमिक हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैंने जब लॉ शुरू किया तो इट वॉज़ माई पैशन कि मैं एक लॉयर बनूँ, और मेरे ख्याल में सोसाइटी को जितना एक लॉयर अच्छे तरीके से सर्व कर सकता है इतना कोई डिपार्टमेंट सर्व नहीं कर सकता। आप सोसाइटी में इंसाफ दे सकते हैं, आप जो है एक रूट लेवल से लेकर ऊपर तक आप अपने मुआशरे को चेंज कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैं सोसाइटी को चेंज कर सकती हूँ थ्रू लॉयर बनकर, और उसके बाद मैंने लॉ किया। लेकिन फिर आपको पता है कि लॉ के साथ स्पेशली वुमेन के साथ एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि फैमिली कहती है कि नहीं, हमारी बेटी कचहरियों में, अदालतों में ये इस तरह धक्के खाए, हमारा सिस्टम कुछ इस तरह का है। तो मैं फैमिली जो वैल्यूज़ ट्रेडिशन हैं उनको ज़्यादा चैलेंज नहीं किया। मैंने कहा ठीक है, जैसे फैमिली कहती है। लॉ की डिग्री ले ली, प्रैक्टिकल लाइफ में मैं लॉ को प्रैक्टिस कर रही हूँ। फील्ड में तो नहीं अभी कर रही, लेकिन इंशाल्लाह इन फ्यूचर जुडिशरी के थ्रू मैं फील्ड में भी आऊँगी। मेरा फुल प्लान आगे लॉ को ही परसू करने का है। नेक्स्ट मेरा ये है कि मैं बॉरेट ला करूँ, फिर जुडिशरी की तरफ आऊँ। तो आपका जो अल्टीमेट पैशन होता है आप उससे डेविएट नहीं कर सकते, आना तो। लेकिन क्योंकि जैसे बात की है कि लॉ में आगे क्या क्या स्कोप है, मैंने लॉ के बाद इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स किया, और उसके बाद मैंने एमफिल पॉलिटिकल साइंस में किया, मास्टर्स इन हिस्ट्री किया, और फिर पीएचडी इन पॉलिटिकल साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन टेररिज्म एंड काउंटर टेररिज्म की। लेकिन इन तमाम चीज़ों में मैंने लीगल एस्पेक्ट को ज़रूर रखे। ये बहुत ज़रूरी है, मैं यही चीज़ आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या हम वाटर टाइट आइसोलेशन कर सकते हैं लॉ की और इन तमाम सोशल साइंसेस की? क्योंकि देखें, अगर आप बिज़नेस भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लॉ है, इंटरनेशनल रिलेशंस में भी लॉ है, अगर आप मीडिया भी पढ़ रहे हैं तो उसमें भी लॉ है, तो लॉ से आप किनारा तो नहीं कर सकते। वो इट इज़ ऑलवेज देयर, इट इज़ विद इन एवरी सोशल साइंस पर्टिकुलरली। जी, अब ये देखिए, लॉ से आप बिल्कुल किनारा नहीं कर सकते। आप जब पैदा हो जाते हैं तब से ही लॉ जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, आर्टिकल 8 to 28, वो आप उन पर आपका राइट एक जो है वो बन जाता है। तो लॉ तो तब से ही स्टार्ट हो जाता है जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है, तो आप उसे क्लेम कर सकते हैं। बल्कि उससे भी पहले, उससे भी इवन व्हेन यू आर अ न्यू बॉर्न, बल्कि उससे भी पहले व्हेन यू आर इन योर मदर्स वूम। बिल्कुल बिल्कुल, राइट्स तो आपके तब से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली आप तब कर सकते हैं। और मेरे ख्याल में आप किसी फील्ड में से लॉ को नहीं निकाल सकते। मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया,
वहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया गया हमें, ह्यूमन राइट्स पढ़ाया गया, फिर उसके बाद हिस्ट्री में भी लॉ का मतलब मुस्लिम सोर्सेज ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज वो हम लोगों ने पढ़े, फिर इस तरह एमफिल में भी ह्यूमन राइट्स लॉ पढ़ा, पीएचडी में भी ह्यूमन राइट्स लॉ। तो आप लॉ को कहीं भी किसी भी फील्ड में नहीं निकाल सकते। आप इवन आप देखिए, आप किसी शॉपिंग सेंटर जाते हैं, होटल में जाते हैं, कंज्यूमर राइट्स आपके होते हैं। तो आप अगर ये समझे ना कि आप लॉ के बगैर कोई फील्ड कंप्लीट नहीं है, तो लॉयर्स के लिए तो बहुत स्कोप है मेरे ख्याल में। जिस तरह मैंने बात की कि मैं लॉ से इस तरफ आई हूँ, तो लेकिन हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि लॉ वाले जो है ना वो सिर्फ फील्ड में जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक लॉयर के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इधर उधर शिफ्ट करने की, और स्पेशली वुमेन जो कि फैमिली अलाउ नहीं करती कि आपने प्रैक्टिस नहीं करनी, तो उनके लिए मैं नंबर वन तो है टीचिंग फील्ड। आप टीचिंग फील्ड को आप कर सकते हैं, और बिलीव मी आप किसी भी फील्ड में, आप चाहे पुलिस सर्विस को ज्वाइन कर लें, आर्मी को ज्वाइन कर लें, पॉलिटिशियन बन जाए, आप वो एक इन्फ्लुएंशियल नहीं हो सकते जो टीचिंग में आकर हो जाते हैं। टीचिंग में मैं अब तक तकरीबन मोर देन 5000 स्टूडेंट्स को पढ़ा चुकी हूँ। आप भी मेरी स्टूडेंट थी, आप जानती हैं मेरी क्लास में हमेशा 70 to 90 बच्चे होते थे। मैंने उन सब का कोशिश किया कि मैं उनकी आइडियालॉजी चेंज करूं, उनका माइंड चेंज करूं। वो एक जो पर्टिकुलर नैरेटिव के साथ आते थे, नैरेटिव ऑफ काइंडनेस, नैरेटिव ऑफ हेल्पिंग, मैंने उनके अंदर डेवलप किया। अब मेरे तमाम स्टूडेंट जो हैं माशाल्लाह दे आर एक्सलिंग इन देयर फील्ड, पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, सिविल सर्विस में हैं, और उसके बाद मुख्तलिफ लॉ फर्म्स किसी ने बनाई, अपने बिजनेस डिवेलप किए हैं, तो वो मेरी आइडियालॉजी के साथ चल रहे हैं। यानी आपने जो अपना लीगल एक आपकी बैकिंग थी, आपका जो पैशन था लॉ पढ़ने का और लॉ को ट्रांसलेट करने का सोसाइटी में, वो आपने टीचिंग के थ्रू एक मीडियम बना के थ्रू। अब देखिए लॉ का मेन क्या है कि आप इंसाफ सोसाइटी में फैलाएं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के सबसे बड़े मुनसिफ थे, मैं उनकी आइडियालॉजी को लेकर चल रही हूँ, उनका उसवे हुसना, और ये आप सोसाइटी में जस्टिस के थ्रू कर सकते हैं। उसवे हुसना कैसे, आप एक दूसरे के रास्ते से कांटे हटाते जाएं, आप इंसानों जानवरों को बराबर का समझे। वो आयत भी है, वमार सलना के इल्ला रहमतुल आलमीन, हमने आपको पूरे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे। तो मेरा यही अपने स्टूडेंट को होता है कि आप जानवरों को भी इज्जत दें, उनके भी राइट्स का ख्याल रखें, आप इंसानों के राइट्स का ख्याल रखें, और लेकिन साथ साथ आपको अपना भी पता होना चाहिए कि आपके क्या राइट्स हैं। तो इंटरनेशनल लॉ के तहत हम जो साइन कर लेते हैं ट्रीटीज़, उसके बाद फिर हम उन ऑब्लिगेशंस पे पूरा नहीं उतरते, तो उसका फिर इंटरनेशनल सिनेरियो में क्या रिएक्शन होता है, और उसके हमारे ऊपर एज अ स्टेट क्या इम्पैक्ट्स आते हैं? देखिए इंटरनेशनल लॉ में जब आप ट्रीटी साइन कर लेते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो ये होता है कि आपने अपने डोमेस्टिक लॉज को अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ करना है, और फिर जब आप वो नहीं करते तो यू आर नॉट कंसिडर अ सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो सेकेंडली उसके बाद ये होता है कि फिर जब आपके कंट्री में वो इंसिडेंट की रेशो बढ़ती है, तो फिर आपकी इंटरनेशनल रैंकिंग पे असरअंदाज होती है। आपने देखा होगा आए दिन इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आती है कि ह्यूमन राइट्स इंडेक्स में पाकिस्तान फ़लाँ नंबर पे है, इस तरह मुख्तलिफ जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, उनकी सर्वे रिपोर्ट्स आती हैं कि इतने परसेंट रैंकिंग में इजाफ़ा हुआ है या डिक्रीज़ हुई है। तो वो जब आपके इतने ज़्यादा क्रिमिनल केसेस होते हैं, तो इंटरनेशनली आपकी रैंकिंग पर असर अंदाज होते हैं। तो फिर कंट्रीज़ जो है ना अपना सॉफ्ट इमेज जो डेवलप करती हैं, वो हर चीज़ में अपनी अच्छी अच्छी रैंकिंग से ही करती हैं, तो फिर पाकिस्तान के इमेज पर क्वेश्चन उठते हैं। फिर जब आप इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए करते हैं, तो फिर आपके पासपोर्ट के ग्रीन पासपोर्ट जो है उस पर हर बहुत बड़ा स्टिग्मा बन जाता है। फिर आप ऐसा पाकिस्तानी जब इंटरनेशनल विजिट करते हैं, वो स्टिग्मा बन जाता है। तो ये सिविलाइज्ड नेशन ऑफ द वर्ल्ड वो इसलिए सिविलाइज्ड हैं कि इंटरनेशनल लॉ उनके डोमेस्टिक लॉ इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग होकर इम्प्लीमेंटेशन उनकी स्ट्रॉन्ग है। नहीं बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, हमें इन चीज़ों के ऊपर भी ज़रूर रोशनी डालनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपके जो अब तक इतने हज़ारों स्टूडेंट्स रहे होंगे, तो आपने अपना विजन और अपनी जो एक आपकी ह्यूमन राइट्स अप्रोच है उसको ट्रांसलेट किया स्टूडेंट्स में, तो कोई एक दो एग्जांपल्स ख़ास जो आप बताना चाहें कि जिसमें आप समझती हैं कि आपके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट था कि आपने कहा कि नहीं जी मेरे स्टूडेंट ने ये किया है, तो आज मैं कामयाब हो गई अपने मिशन में।
मैं यहाँ पर ये मेंशन करना चाहूँगी, मैंने एक नेड कॉलेज में पढ़ाया लाहौर गैरिसन में, फास्ट यूनिवर्सिटी, जीसी पंजाब यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो मेरा सबसे जो अच्छा बैच था वो जीसीयू में था। तो वहाँ से माशाल्लाह मेरे बहुत से स्टूडेंट जो हैं पुलिस ऑफिसर हैं और कुछ ने सिविल सर्विस ज्वाइन की है। और उसमें मैं दो स्टूडेंट को उनके नाम मेंशन किए बगैर बताना चाहूँगी उनके बारे में। मेरे एक स्टूडेंट हैं वो पुलिस में हैं। मेरी किसी भी स्टूडेंट को, फीमेल स्टूडेंट को, जब भी प्रॉब्लम होता है हरेसमेंट का कि अननोन नंबर से उनको कॉल्स आ रही हैं या कुछ, मैं सिर्फ उन्हें फॉरवर्ड करती हूँ कि ये नंबर ट्रेसिंग करनी है और आपने ऑफेंडर को रोकना है। वो कहते हैं मैम इट विल बी डन, ये उसका मैसेज आता है और विद इन 4 आवर्स मैम डन। मैं हैरान होती हूँ कि अगर मैं किसी DIG और IG को भी कहती तो इतनी जल्दी वो नहीं होना था जितना, मतलब जब मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहती हूँ तो काम जल्दी हो जाते हैं। ज़बरदस्त। सेकंड, मैं अपने एक स्टूडेंट का मेंशन करना चाहूँगी, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। वो अभी असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट हुए हैं एक इलाके में, तो उन्होंने फेसबुक पर मेरी पोस्ट देखी। मैं रास्ते से गुजर रही थी तो एक डंकी बहुत ओवरलोडेड था, तो वो बहुत बुरे तरीके से चल रहा था, तो वो मैंने मेंशन किया उसके बारे में। तो नेक्स्ट डे उसका मुझे मैसेज आया कि मैम मैंने आज अपने एरियाज़ में सबको कह दिया है, ऑर्डर इम्प्लीमेंट कर दिया है कि आज के बाद ये जो ना आपने स्पेशल नज़र रखनी है कि कोई भी जानवर जो है ना उस पर टॉर्चर और ये ओवर बर्डन ना हो। और कहते हैं कि मैम आपने जो मेरे लिए किया मैं इस तरीके से करूँगा। मुझे उस चीज़ की इतनी खुशी हुई मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे ऐसे लगा कि जैसे आज मेरी ज़िंदगी का मिशन कंप्लीट हो गया है। कि आपके स्टूडेंट जो होते हैं आपकी आइडियालॉजी आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अगर मेरा कोई एक स्टूडेंट भी आगे सोसाइटी के लिए अच्छा काम करता है तो मैं समझती हूँ कि मेरा वो उन्हें पढ़ाना और इस फील्ड में आना मुकम्मल हो गए। ज़बरदस्त। ये वाकई बड़ा सेटिस्फाइंग एक फीलिंग होती है कि जो हमने सोचा था चले कहीं ना कहीं से हमें मुआशरे में वो देखने को मिला। इंटरनेशनल लॉ में नए आने वालों के लिए क्या स्कोप है? कोई लॉयर जो ये सोचता है कि मुझे स्पेशलाइजेशन इंटरनेशनल लॉ में करनी है, सबसे पहले उसको हमारी जो लॉयर कम्युनिटी है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ उसको तुम कहाँ प्रैक्टिस करोगे, यहाँ पे कोर्ट्स में तो नहीं हो सकता, इंटरनेशनल लॉ को तुमने प्रैक्टिस कैसे करना है? तो इंटरनेशनल लॉ की फील्ड में क्या स्कोप है यंग एंट्रेंट्स का? देखिए, मैंने जब कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में IR में मास्टर्स किया तो मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर इंटरनेशनल लॉ से ही हुई। बाबर सत्तार ने हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया तो तब से ही लॉ फील्ड की तरफ एक मेरा स्ट्रॉन्ग किस्म का वो कनेक्शन डेवलप हुआ। तो हमारे यहाँ यही समझा जाता है कि क्रिमिनल और ये जो आपके सिविल प्रैक्टिस है वो ज़्यादा है, लेकिन इंटरनेशनल लॉ का इतना स्कोप है। आपको पता है कि जब से 9/11 के बाद इंटरनेशनल NGOs ऑर्गेनाइजेशन और उन्होंने पाकिस्तान का रुख कर लिया, इस्लामाबाद आप देखें कि हब ऑफ सच एक्टिविटीज़, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ का स्कोप इसलिए है कि उन्होंने जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर काम कर रही हैं उन्हें नहीं पता होता कि आपके डोमेस्टिक लॉज क्या हैं। वो हायर करते हैं उन लोगों को जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट होते हैं। उसमें मैं कहूँगी कि सबसे पहले आप एम्बेसीज की वेबसाइट चेक किया करें, वहाँ पर अक्सर इस किस्म की जॉब्स आई होती हैं। सेकंड, NGOs जो इस्लामाबाद या लाहौर बेस्ड NGOs हैं दे आर लुकिंग फॉर एक्सपर्ट्स ऑन इंटरनेशनल लॉ, और कंसल्टेंसीज इस पर बहुत ज़्यादा है। वो होता है ना कि आपके अंदर पैशन इतना ज़्यादा होना चाहिए ना सर्च करने का, चीज़ें मिल जाती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं आजकल। जब से स्पेशली सोशल मीडिया आया है तो तब से तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है। आप अपनी, अगर आप इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं, कोई एक इशू उठा लें, उस पर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, पैगाम रिकॉर्ड करें, पोस्ट करें, आपकी फ़ौरन 200-300 लोगों तक वो पहुंच जाती है। आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में ही करें और उसके बाद आप थोड़ा कोशिश करें कि मीडिया की तरफ करने का। मीडिया में इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट की बहुत कमी है। और उसके बाद हमारे जितने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर भी विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट आ रहे हैं। तो स्कोप तो बहुत है लेकिन आपने अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। बिल्कुल, यानी आपने स्ट्रगल खुद करनी है, रास्ते पर आगे रास्ते जो है खुलते जाएं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ का पाकिस्तान में बहुत स्कोप है क्योंकि तमाम इंटरनेशनल NGOs इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पर हैं उन्हें हमारे लॉज को स्टडी करने के लिए वो एक्सपर्ट चाहिए होते हैं।
नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। और नाज़रीन, इसी के साथ मैं ये बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगी कि वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो ये चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल लॉ को अपना एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बनाएं और उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करें, लेकिन आगे वो एक ब्लाइंड वॉल देखते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या स्कोप होगा उनके लिए। तो आई थिंक ये जो जितनी भी ऑप्शंस हैं, ये गोल्डन सारी की सारी आप समझ लें बिट्स एंड पीसेस हैं इंफॉर्मेशन के। अपनी लाइफ में आप आज से 10 साल बाद ख़ुद को कहाँ देखती हैं? मुझे तो नज़र आ रहा है कि हम आपको बेंच पे देखेंगे और हम आपके सामने माई लेडी करके अपीयर होंगे और प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप कहाँ देखती हैं? मेरा टीचिंग कभी भी वो जो है ना एक प्रेफरेंस नहीं रही, वो सिर्फ ये कि ओबीडियंट डॉटर की तरह मैंने कह दिया कि ठीक है टीचिंग फील्ड, अगर आप कहते हैं कि ठीक है वुमेन के लिए और तो ठीक। उसमें भी इतना नाम बनाया माशाल्लाह, यू आर एन एग्जांपल फॉर सो मेनी कि जो उन बैरियर्स को नहीं भी तोड़ती लेकिन उसके बावजूद उसमें रह के भी कितना कुछ कर सकती है। वाइज़ा उसमें ये है कि हम जो है ना हमारी सोसाइटी में मर्दों को बहुत अपॉर्चुनिटीज टाइम दिया जाता है, बेटा एक दफ़ा फेल हुआ है ठीक है कोई नहीं दूसरी दफ़ा कर लो तीसरी दफ़ा कर, बेटी को ये कहा जाता है कि करना है ठीक है। अगर हमारे यहाँ लड़कियों का गांव में स्पेशली देखे ना, फेल हुई शादी कर दो ठीक है। मुझे ये था कि मेरे घर वाले अगर मुझे एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पढ़ने का, मैंने इतना एक्सेल करना है कि वो खुद नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मुझे दें। तो मैंने हमेशा बहुत, मेरी ज़िंदगी का एक ही रूल रहा है, हार्ड वर्क विद डेडिकेशन। पैशन अपने अंदर डिवेलप करें, उसको हार्ड वर्क के थ्रू अचीव करें। तो ये जब अपॉर्चुनिटी मैंने बनाई, फिर मैं जिस फील्ड में गई हूँ वहाँ पर थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर घर वालों ने कहा थोड़ा अब, नहीं काफ़ी अब थोड़ा जो है घर वालों ने फिर मुझे कहा जो आप चाहती हैं। तो मैंने घर वालों से कहा कि अल्टीमेटली तो मैंने लॉ की तरफ ही आना है, तो इंशाल्लाह इन नेक्स्ट 1 or 2 years आई एम प्लानिंग फॉर बार एट लॉ, और उसके बाद अल्टीमेटली आप जुडिशरी में ही मुझे देखेंगे। तो सेशन जज के लिए मेरा इरादा है, तो वो जब इंशाल्लाह मेरी वो टर्म जो उसकी एक है वो पूरी हो जाती है, तो आई विल अपेयर फॉर देट और जुडिशरी ही होगा इंशाल्लाह। और फिर ये भी है कि फैमिली मेरी, मेरे फादर भी लॉयर हैं, मेरा भाई भी, तो वो फैमिली की तरफ भी एक है। सरगोधा में हमारा लॉ चैम्बर है और वहाँ पर जो जितने तमाम सोसाइटी में मज़लूम लोग हैं, कोशिश करते हैं कि उनको फ्री जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। तो ये भी आपका ना, मैं तमाम लॉयर को एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि आप अगर 10 केसेस एक महीने में या एक साल में करते हैं, कोशिश करें कि एक ज़रूर फ्री करें, उनके लिए करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पेशली अगर कोई औरत देखते हैं कि जो इंसाफ की मुंतज़िर है, उससे दे, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको इतनी बरकत देंगे कि यू विल एक्सेल इन योर फील्ड इंशाल्लाह। एब्सोल्युटली, विद सच अ वंडरफुल मैसेज फ्रॉम डॉक्टर तहमीना असलम, आई टेक लीव। एक अगले एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर होंगे प्रोग्राम राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में। मुझे वाइज़ा रफ़ीक को दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।